हेलो एवरीवन टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स स्पेशली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 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 दो वर्ड से मिलके बना है री एंड प्रोडक्शन री मीज अगेन प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस मीन्स टू प्रोड्यूस अगेन तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हुई रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ टू मेंटेन द कंटीन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ट्रू ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज मतलब अपने स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखना कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करना और वेरिएशन्स की वजह से न्यू स्पीशीज़ की ओरिजिन Factors affecting reproduction are habitat. Habitat is the place where organisms live. Every living organism has its own specific ha habitat, and habitat is the most affecting factor in reproduction. Next, internal physiology. Organisms with perfect physiology can perform better reproduction. Several factors include environmental conditions such as temperature, availability of oxygen, high carbon dioxide, water etc. and also, it also includes genetic makeup. Types of reproduction Reproduction is of two types asexual reproduction and sexual reproduction. Now let's see difference between asexual and sexual reproduction. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन सेल और वन पेरेंट वेरज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू सेल्स और गैमिट्स इधर ऑफ सेम और डिफरेंट पेरेंट्स मीन्स की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमिट्स की आवश्यकता होती है जो कि सेम पेरेंट्स से भी हो सकते हैं और डिफरेंट पेरेंट्स के भी हो सकते हैं गैमिट्स आर नॉट फाउंड इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरज In sexual reproduction gametes are formed only mitotic division takes place in asexual reproduction mitosis and meiosis are essential process in sexual reproduction offsprings are genetically similar to the parents and are known as clones in asexual reproduction the offsprings differ from parents in sexual reproduction in asexual reproduction no fertilization takes place whereas in sexual reproduction fertilization takes place multiplication occurs rapidly in asexual reproduction in sexual reproduction organisms multiply slowly it does not introduce variability hence has no evolutionary importance in asexual reproduction variability is not seen thus it's of no evolutionary importance whereas sexual reproduction introduces variability and is of evolutionary importance offsprings are often found in large number in asexual reproduction whereas in sexual reproduction offsprings are produced in less number types of asexual reproduction fission Fission means to break. Sometimes the body of single organisms divides into two or more than two organisms, and the process is known as fission. Fission is further classified into binary fission, multiple fission, and plasmotomy. Binary fission, as the name suggests, binary means two, and fission means breaking. Breaking into two is binary fission. बाइनरी फिशन इज़ फर्दर क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फिजन देखने को मिलती है क्योंकि अमीबा की शेप जो है वो इरेगुलर होती है वो किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है युगलिना युगलिना में लॉन्गिट्यूडनल फिजन देखने को मिलती है इसमें सबसे पहले फ्लैजिला डिवाइड होगा देन न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और ये जो डिवीजन है वो लॉन्गीट्यूडनली होगी पैरामीशियम में ट्रांसफर्स डिवीजन होती है और पैरामीशियम दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है सेराटियम में डिवीज़न डायगोनल होती है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है मल्टीपल फीशियम इट इज़ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड डिविजन बिफोर साइटोप्लाजम ब्रेक्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ़ यूनि न्यूक्लियर डॉटर सेल्स अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन जब होती है तो अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है तो अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा के चारों तरफ एक वॉल डेवलप हो जाती है जिससे सिस्ट कहते हैं और उसके बाद न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता चला जाता है न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म ब्रेक करना शुरू करता है और नंबर ऑफ़ यूनि न्यूक्लियर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट्रक्चर हो जाता है और ये यूनि न्यूक्लिय डॉटर सेल्स जो हैं वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं प्लाज्माटोमी प्लाज्मोटोमी एक यूनिक टाइप की फिजन है इसके अंदर पहले साइटोकाइनेसिस होती है और बाद में कैरियोकाइनेसिस होती है कैरियोकाइनेसिस जो है वो नॉर्मल न्यूक्लियस के नंबर को करने के लिए होती है इसमें क्या होता है वो देखते हैं प्लाज्मोटोमी इज द डिवीजन ऑफ अ मल्टी न्यूक्लियट प्रोटोजोन इंटू सेवरल स्मॉल मल्टी न्यूक्लियट डॉटर्स विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन मतलब मल्टी न्यूक्लियट प्रोटोज़ोन है और इसके डिवीजन जब होती है जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो भी मल्टी न्यूक्लियट होते हैं अभी उनमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुई बल्कि ऐसे ही कुछ न्यूक्लियस एक तरफ चले जाएंगे और कुछ दूसरे डॉटर सेल्स में चले जाएंगे तो इस तरीके से द डॉटर ग्रोज एंड रिगेंस द नॉर्मल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियर बाय न्यूक्लियर डिवीजन उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होगी उन डॉटर सेल्स में और जो न्यूक्लियर नंबर है वो रिगेन हो जाएगा इट टेक्स प्लेस इन ओपेलाइना एंड पेलोमिक्सा बडिंग इन दिस मेथड बर्ड अपीयर्स एंड ग्रोज ऑन पेरेंट बॉडी देन डिटैचेस टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल इट इज ऑफ टू टाइप्स एक्सटर्नल बर्डिंग एंड इंटरनल बर्डिंग एक्सटर्नल बर्डिंग में जो बर्ड है वो पेरेंट बॉडी के सरफेस पे ग्रो करता है मैचोर हो जाता है और उसके बाद ये डिटैच करके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है मीन्स इन दिस प्रोसेस न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट दिस इज एक्सोजिनस बर्ड विच गेट्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट टिल इट गेट्स द मैचोरिटी देन इट ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी and develops into new individual sometimes the birds do not separate off and form a chain of birds as is seen in this yeast internal bud porifers reproduce by formation of special internal buds called gemmules which contain special cells archeocytes which remain covered by hard coverings during unfavorable periods

कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं ये इंडिविजुअल फिर मैच्योर हो जाते हैं और इस तरीके से ये डिवीज़न होता है स्पोर्स स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल थिन वॉल प्रोप्यूज विथ जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल स्पोर्स हैं बहुत ही छोटे सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो कि जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं स्पोर्स कई प्रकार के होते हैं जैसे जू स्पोर्स जू स्पोर्स स्पेशल काइंड के स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं इनमें फ्लैजिला होता है ये जूस फोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं और ये एक्वेटिक हैबिटेट में फ्लैजिला होने की वजह से स्विम कर सकते हैं और डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं तो जू स्पोर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेट स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन साइड द जू स्पोर इंजिया द फ्लैजिला हेल्प टू स्विम इन हैबिटेट और इन प्रॉपर डिस्पर्सल इट इज सेन इन केमाइडोमोनास यूलॉक्थ्रिक्स एल्ब्यूगो फैटोफथेरा एक्सेट्रा कोनीडिया कोनिडिया जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये या तो सिंगली प्रोड्यूस होते हैं या फिर ये चेंस में प्रोड्यूस होते हैं इस हाइफल ब्रांचेस के ऊपर ये हाइफल ब्रांचेस जो हैं वो कोनीडियो फोर्स कहलाते हैं इनके ऊपर ये प्रोड्यूस होते हैं ये एक्जोजीनस है इनके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती इसलिए ये एक्जोजिनस है ये हमें पेनीम और एस्कोमाइसिटीज में देखने के लिए मिलते हैं कोनिडिया आर नॉन मोटाइज स्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस सिंगली और इन चेंज बाय कंस्ट्रिक्शन एट द टिप ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांचेस नोन एज कोनीडियो फोर्स दीज आर प्रोड्यूस एक्जोजीनियसली क्लेमाइडो स्पोर्स दीज आर थिक वॉल स्पोर्स विच कैन विद अनफेवरेबल कंडीशंस ये जो स्पोर्स होते हैं इनके बाहर बहुत थिक वॉल होती है जिसकी वजह से ये फेवरेबल कंडीशन को भी ये सहन करने की क्षमता रखते हैं और ये हमें राइजोपस और एगेरिकस में देखने को मिलते हैं ओइडिया ओइडिया में क्या होता है ये जो हाइफी है बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है सेगमेंट्स ये ब्रेक डाउन कर जाती हैं सेवरल पीसेस में ये जो सेवरल पीसेस हैं यही ओइडिया कहलाते हैं तो हाइफी ब्रेक इनटू न्यूमरस स्मॉल थिन वॉल सेगमेंट्स कॉल्डिया इट इज सीन इन एगेरिकस स्पोरेंजियोस्पोर्स स्पोरेंजियो स्पोर्स जो हैं वो एंडोजोर्स होते हैं ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ये विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं नॉन मोटाइल हैं इनमें क्योंकि कोई फ्लैजिला नहीं है तो दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस इन साइड स्पोरेंजिया And are called endospores, which are dispersed by wind. These are seen in rhizopus and mucca. Next, vegetative reproduction. It will be continued in next part. So thanks for watching.